सो आज के समय में टॉपिक कवर करने वाला हूं दोस्तों, वो है रॉयल इनफील्ड हंटर 350। और हंटर 350 की मैं अनेक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैं ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर चुका हूं, चाहे उसकी थार लाइट हो, हजार सेटअप हो, वर्कबस्टर का हैंड गार्ड हो, सीट हो, बैक रेस्ट हो, या फिर आपका जो है टायर हैगर हो, क्रैश गार्ड हो। क्रैश गार्ड की काफ़ी सारी वैरायटी दिखा चुका हूं, एक ये वाला क्रैश गार्ड है, एक कुछ इस तरह क्रैश गार्ड आता है, एक ये वाला क्रैश गार्ड है, तो ये डिपेंड करता है आप लोगों को कौन सा पसंद आता है। बाकी सेफ्टी सबकी बराबर ही है। और स्टार्ट करूंगा यहाँ फ्रंट से, तो फ्रंट में जैसा कि आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट वर्कबस्टर के हैंड गार्ड, और ये हैंड गार्ड कुछ इस तरीके से लोग दे देते हैं। और इसमें एक हैंड गार्ड और आता है जिसमें यहाँ पर इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है, बट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, प्लेन है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें मेटल का आपको ये रॉड जो दिख रहा है ना, ये प्रॉपर क्लैंप के साथ यही करता है प्रोटेक्शन आपके क्लच और लीवर की, अगर इनकेस कभी बाइक गिरता है तो। और हवा से भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन रहेगी, क्योंकि आपको लोगों को पता है सर्दी आ रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा लोग इनहेंस कर देते हैं। और ये वाला पार्ट आपको हर हैंड गार्ड का, चाहे आप 1 लाख का हैंड गार्ड लोगे ना, उसका ही प्लास्टिक का ही मिलेगा। ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ये वाला पार्ट अगर आप मेटल का दे देंगे तो कभी जैसे क्रैश होता है तो ये फिंगर को डैमेज करेगा जब ये मुड़ेगा, तो उस केस में प्लास्टिक का होता है, ये अनब्रेकेबल प्लास्टिक है, इस पर खड़े हो जाओगे तब भी नहीं डैमेज होता। लुक देखो, कलर बहुत सारे मिल जाएंगे, इसमें टेंशन लेने की बात है नहीं। ब्लैक इसलिए ले जाए क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ का ब्लैक का है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ब्लैक। देखो ब्लैक 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 ब्लैक, तो ये हो गया ब्लैक। इसके अलावा वाइजर जो है ये वही रॉयल एनफील्ड की तरह आपको लुक देगा, सेम कॉन्सेप्ट, आर का लोगो और मैट फिनिश रैपिंग करा रखी है। और इस साइड से कुछ वाला लुक है। इग्निशन करता हूँ इसका ऑन, और अब आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर थर्ड लाइट। इसके काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, लेकिन ये माइनस प्लस रिंग काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, तो ये भी ऑप्शन है। बाकी इसको जैसे स्टार्ट करोगे आप हाई बीम पे, ये जाएगी येल्लो। अब आप लोग देख सकते हो, आपको येल्लो चाहिए या फिर वाइट चाहिए, ये कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है इसका। और जैसे आप चाबी ऑन करते हो तो ये कुछ इस तरीके का इसका सर्टिफेस आ जाता है। सो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है वो है इसका हैजार्ड सेटअप, जिसमें आप देख सकते हो इसमें एलईडी बल्ब लगा रखे हैं। हैलोजन बल्ब बैटरी ज़्यादा पीता है, तो एलईडी बल्ब बैटरी भी कम पीता है, फोकस भी उसका अच्छा है, आप देख सकते हो आइडिया के लिए फोकस इसका। ये तो हो गया इस साइड का, और अगर इस साइड का मैं आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हो। और अब मैंने कर दिया है हैजार्ड एक्टिवेट, और हैजार्ड को एक्टिवेट करने के लिए सिंपली आपको ये वाला स्विच जो है इसको लेफ्ट राइट बीच में प्रेस, या फिर राइट लेफ्ट बीच में प्रेस आपको करना है। इसमें करते ही पैटर्न इसके चेंज हो जाते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। और इसमें आपको करीब मिलेंगे 30 से 35 तक पैटर्न इसमें मिल जाते हैं अराउंड, बाकी उस पर लिखे होते हैं डिब्बे पे एक्चुअल में, बाकी ये 20-25 पैटर्न तो फिक्स है जो कि होते ही हैं। तो ये हो गया, और फ्रंट का लोग आपने देख लिया। अब बात करूँगा पीपीएफ लेमिनेशन की, तो ये पीपीएफ लेमिनेशन है जो कि फाइनल हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त है। स्क्रैचेस वगैरह जो है वो पता नहीं चलते, और गाइज चमक शाइन ग्लोस अल्टीमेट है और बहुत ही ज़बरदस्त है, ये देख सकते हो आप। और फुल बॉडी जो है इसको किया गया रैपिंग, जैसे कि ये वाली पार्ट लेमिनेशन की गई है, साइड पैनल्स हो गए, टिक्की हो गई, इसके अलावा आपका फ्रंट का मडगार्ड हो गया, तो ये भी सेफ्टी वाली एक्सेसरीज है। इसके अलावा बात करें क्रैश गार्ड की, तो ये क्रैश गार्ड आप देख सकते हो, इसको स्पेसिफिक नाम दिया मैंने जलेबी वाला क्रैश गार्ड, ताकि आप लोगों को ईजी रहे इसको ढूंढने में। काफ़ी लोग जो कमेंट करते रहते हैं तो उनको नाम नहीं पता होता, तो ये जलेबी वाला क्रैश गार्ड बोल सकते हो, तो यहाँ पता चल जाता है। इसको लगाने के बाद आपका ये बैंड पाइप सेफ हो चुका है, यहाँ से कुछ जगह टक्कर लगती भी है इन केस, तो ये बैंड पाइप आपका डैमेज नहीं होगा। और यहाँ से आपका इंजन और आपके टैंक और आपके लैग्स प्रॉपर तरीके से हो चुके हैं प्रोटेक्ट। और लुक देखो, काफ़ी लोगों के घर में क्या होता है, जैसे आसपास प्रॉब्लम होती है पार्किंग की, तो लेग गार्ड में क्या बहुत ज़्यादा बाहर निकलता है, बट क्रैश गार्ड पता ही नहीं चल रहा था, वो सिर्फ स्लाइडर दिख रहे हैं और हैंडल से भी अंदर ही है ये, देखो गाइस। तो ये हो गया, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सीट का कवर आपको देखने को मिल रहा है, बट इसके अंदर कुशनिंग का भी वर्क किया गया, यानी कि सीट को कंफर्टेबल बनाया गया है, और ऐसे पता नहीं चलेगा, बाकी है कंफर्टेबल ये बहुत ज़्यादा। बाकी बैक साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर टायर हैगर इंस्टॉल्ड है, जो मिट्टी वगैरह इस जगह पर होल्ड हो जाती है ना, वो एक टाइम के बाद इतनी ज़्यादा होल्ड हो जाती है कि बाइक बहुत ज़्यादा पुरानी लगती है और गंदी भी लगती है, तो आप टायर हैगर लगवाओ, यहाँ पर मिट्टी वगैरह ही रहेगी आपकी और यहाँ से बाइक आपकी रहेगी साफ। तो ऑल ओवर सारी चीज़ें मैंने कवर कर ही दी हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको और मिल जाएंगी, जैसे कि पूरा सेटअप आता है इस तरीके का, तो ये भी लग जाएगा। वाइजर के काफ़ी सारे डिजाइन आते हैं, एग्जॉस्ट की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, मिरर होगा 12 जो कि यहाँ पर लग जाते हैं आपके, तो ये अपनी अपनी चॉइस है। तो हाँ, लास्ट में ये रह गया आपका मास्टर सिलेंडर कैप, जिसमें हंटर की आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगी इस तरीके से, यहाँ मिलेगा आपको आर का लोगो, तो ये भी हो गया। और एक मोबाइल होल्डर जो कि विदाउट चार्जर है, आप चाहो तो चार्जिंग वाला भी ऑप्शन ले सकते हो, डिपेंड करता है आपका पर्पस क्या है। तो बाकी बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, नीचे आप देखोगे तो सम गार्ड इंस्टॉल्ड है,